काय नाम है मुना? नाम सचिन है जी। सचिन नाम है, कटूं? चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, डंडा ही ले रखे हैं मारूंगा। तो सचिन है, हिस्ट्री के अंदर एक आदमी है, बिगो नाम है चार्ल्स मेसन। हाँ जी। चार्ल्स मेसन को स्टेटमेंट दी, कब दी थी स्टेटमेंट? 1826 में। 1826 में। एक तगड़ा प्रश्न पूछ रहा हूँ, एक ऐसा आदमी जिसने कल्पना की है कि टिल्लों को देखकर हड़प्पा के कि यहाँ सिकंदर से भी महानगर हो सकता है, ये किसने कहा? चार्ल्स मेसन ने। पक्की बात है? हाँ जी, एकदम पक्की बात है। हाँ जी। चार्ल्स मेसन किस सेना में भर्ती हुआ था? ये बंगाल आर्टिलरी। बंगाल आर्टिलरी। कहाँ से छोड़कर भागा था ये? बंगाल आर्टिलरी से भागा। बंगाल आर्टिलरी से भागा था। ड्यूटी उसकी उस टाइम आगरा रेजिमेंट में थी। अच्छा, आगे चलकर इसने कोई रिसर्च किया था, सिक्कों पर रिसर्च किया था? कौन सा सिक्क? बैक्टेरियन। ठीक है, बैक्टेरियन सिक्के बोलना है। इसके अलावा कोई ये शास्त्री बना? कहेगा शास्त्री, मुद्रा शास्त्री। पक्की बात है? हाँ जी। जिस जगह पर इस व्यक्ति ने कल्पना की उसी जगह पर आगे चलकर को रेलवे ट्रैक का प्रोजेक्ट चला था। हाँ जी। वो कौन चला रहा था? वो लाल डल्लो जी। लाल डल्लो जी, शाबाश, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। आज क्या नाम है सिरू? रविंद्र गोदारा। राइट बंधु क्या है? राइट बंधु जो रेलवे ट्रैक का काम कर रहे थे वही ग्रुप था, राइट बंधु ग्रुप। ठीक है, कितना आदमी? दो बंदे। कौन? विलियम और जॉन। अन के मिलियो? राइट, वो रेलवे ट्रैक को काम मिलियो। काम तो मिलियो, अवशेष में कहीं मिलियो? अवशेष में इंटें प्राप्त हुई इनको। इंटें प्राप्त हुई। इंटों पे सर्वेक्षण किसने किया? इंटों पर सर्वेक्षण लॉर्ड डल हो जी। तो गवर्नर जनरल रो एएसआई और बापू जॉन मार्शल है, वो पैदा ही नहीं हुआ तक। अलेक्जेंडर कनिगम। कब किया था रिसर्च? रिसर्च किया 1826 में। 1826 में किया होगा? चार्ल्स मेसन था। 1856 में। आगे चलकर एएसआई की स्थापना हुई, वो क्या है? एएसआई वो एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पूरो नाम है। इनकी स्थापना कौन करी? लॉर्ड डलहौजी मर गए बेटा। अलेक्जेंडर कनिगम। शाबाश, भाग जाओ। आओ, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया। एकदम बढ़िया। पिछली क्लास कैसी रही सर? बढ़िया रही। आनंद आ रहा है जी सर? चलो, एएसआई के बारे में बोल दो सर। एएसआई का पूरा नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है। ठीक है, अब आगे मैं पूछता हूँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और स्थापना कब हुई? 1861 में। एक सिंपल सा प्रश्न पेपर में आया कि पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, बताओ? अलेक्जेंडर कनिगम। हाँ। इसमें एक अपडेट आया था मार्शल के टाइम, कब? 1902-4 में। इसमें कुछ आदमी भर्ती किए गए, 5 सदस्य थे, दो तीन के नाम बोलो। दयाराम साहनी, जिसकी उपाधि दी गई राय बहादुर की उपाधि, शाबाश। और सर राखलदास माधव है? राखलदास, पूरा नाम बोलो। राखलदास बनर्जी, आरडी बनर्जी बोल दो। और उसके बाद में माधव सरोवत्स। ओके। मजूमदार। चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या नाम है? नितेश। ओ देख, पाइपड़ो दिख रही है, 5 किला गया, वो देख रहे थे, मान जाओ, पढ़ लियो। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इन देख ना बोलियो, अड़काली बंगा है। हड़प्पा, एक लाइन में बोलना है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, नाम ऐसी एक ही नाम बोलना है। दयाराम साहनी। सिंपल है। अब बताओ, वन लाइनर फैक्ट आपके, किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। टोटल क्षेत्रफल कितना है सिंधु घाटी सभ्यता का? और पॉइंट वाला 12,00,000। हाँ, 99,600। ये ऑप्शन में नहीं आए तो 13,00,000 किलोमीटर स्क्वायर। गौण विस्तार कितना है? 20,00,000। 20,00,000। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु। हाँ, कश्मीर में चले जाओ, कश्मीर में। हाँ। मांडा। दक्षिणतम बिंदु? दक्षिण से दक्षिण और दय से दैमाबाद। पूर्वी बिंदु। आलमगिरी गिरपुर। हाँ। चलो, बहुत बढ़िया, घबराना नहीं है, बिल्कुल मस्त रहना है। सबसे उत्तरतम बिंदु मांडा, जो कश्मीर में है। वाह,
दक्षिणतम बिंदु दक्षिणतम दैमाबाद दैमाबाद ये कहाँ है ये महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में सबसे पश्चिम बिंदु पश्चिम सूत का गिंडोर ये पाकिस्तान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सबसे मध्यस्थ बिंदु कालीबंगा कल पक्की बात है कोई दिक्कत की बात नहीं पूरा सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी शेप में बसा हुआ था ट्रायंगल शेप ट्रायंगल शेप में यानी त्रिभुजाकार टोटल क्षेत्रफल 13 लाख सबसे पहले खोजा गया स्थान हड़प्पा हड़प्पा सबसे प्राचीनतम अवशेष के आधार पर कोट दीजी अवशेष के आधार पर सबसे नया आलमगीरपुर जनसंख्या में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो पक्की बात वेरी गुड शाबाश ताली बजाओ गुड़िया के लिए सर एक ध्यान रखियो बागना जो तुम आगे आ जाओ नारनौल से नाम क्या बताओ रोहित यादव यार आदमी एक्टिव है चलो कल अरे कॉपी देना एक बार कॉपी से बाहर ना पूछ लूँ कहीं दिक्कत हो जाएगी तो कल आपको पढ़ाए हुए हैं राज्य अनुसार हुलारा नाम की एक सभ्यता है हुलारा जी सर कहाँ है गुजरात में है यूपी में जी पक्की बात एक जगह है बालाकोट पाकिस्तान पक्की बात चौंदड़ो राजस्थान नहीं पाकिस्तान में चलो था हरियाणा का बताओ कौन सा है बनावली और राखीगढ़ी बनवाली गलत बोलो बनवाली और राखीगढ़ी और भी कुछ याद है हरियाणा का दो बहुत है दो है और है पर बताना कौन है अपन बहुत है था और बाकी बता सी रोपड़ कट है गुजरात और क्या हाल है ठीक माचर खावे ये कौन खावे ये बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका समाज कैसा था ऑप्शन दूंगे मातृसत्तात्मक क्या होता है पुरुष पर मतलब कि वहाँ पे स्त्रियों की चलती थी हाँ बात सही है बोल रहे तो दांत क्या हम काट रहे हो सही बोल रहे हाँ मातृसत्तात्मक मतलब जहाँ पर स्त्रियों की प्रधानता थी भी चलती थी लगा आदमी यहाँ बेचती हुए लगे आदमी को बेली को नहीं मतलब स्त्रियों की प्रधानता थी स्त्रियों का वजूद था ठीक है बहुत बढ़िया शाबाश अरे इन लिया पकड़ के ईट है मुताई लाग जाएंगे शाबाश टॉपिक भी आपका होगा कौन से टॉपिक से पूछूं आप बता दो की मेरे को नहीं राजस्थान का कौन सा सभ्यता स्थल है ओकने करो माइक पे तो कालीबंगा है का। कालीबंगा आ तो देख रहे बोल दी कड़े बोल दी देख के मन बेरे को नहीं देख रहा है अच्छा और कोई बताओ तीन और लिखा है राजस्थान का सभ्यता स्थल गणेश्वर और हाँ और सर और कौन ध्यान होगा सर और कौन ध्यान तो यार पटना टबरों थे दैमाबाद कहाँ है सर महाराष्ट्र में नाम क्या है इमरान खान वाया इमरान खान तो पाकिस्तान को प्रधानमंत्री भी है गजब आदमी है सामाजिक जीवन में समाज कैसा था सिंधु वासियों का मतलब कृषि पर आधारित मतलब किस प्रकार का समाज था मातृसत्तात्मक था परिवार था कैसा था संयुक्त परिवार का मतलब होता है जॉइंट फैमिली सभ्यता ग्रामीण थी या नगरीय थी सभ्यता खान पान कैसा था खानपान शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे सबसे प्रसिद्ध उनकी लोकप्रिय फसल कौन सी थी जौ ठीक है बहुत बढ़िया बता रहे हो एक लास्ट प्रश्न आभूषण में एक हार मिला है कितनी लड़ी का हार मिला है छह शाबाश बैठ जाओ यूपी से हो आप yes. यूपी के सभ्यता स्थल बताओ आलमगीरपुर क्या खास बात है इसकी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूर्वी स्थान है इसके अलावा कोई सभ्यता स्थल याद है यूपी का नहीं हुलारा है पूरी सिंधु घाटी में से आपसे क्या पूछूं किस बिंदु से प्रश्न पूछूं शुरू से पूछ लो चार्ल्स मेसन जो है ये भारत में कब आया था 1826 में आया था 1826 में आया था कनिगम था कोई उस कनिगम ने कोई डिपार्टमेंट की स्थापना की क्या नाम था उसका जल्दी बोलो कनिगम ने कोई डिपार्टमेंट की स्थापना की एएसआई का मतलब क्या होता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंग्लिश में एएसआई का मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है बैठो। हाँ नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है? तीन देशों में। तीन देशों के नाम बोलो। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का गौण विस्तार? 20 लाख। कुल विस्तार वैसे कितना है नॉर्मल? 12,99,600 किलोमीटर वर्ग। 12,99,600 ऑप्शन में नहीं आया तो 13 लाख। 13 लाख में कर सकते हैं इसको, पक्की बात है। आज तक खोजे गए स्थान? आज तक खोजे गए स्थान 3700। भारत में टोटल कितने हैं? भारत में 650+। 650। भारत में सर्वाधिक किन राज्यों में है? गुजरात में। गुजरात में और राजस्थान में। राजस्थान में। गुजरात के किन्हीं दो तीन स्थानों के नाम बताओ? लोथल। लोथल। रोपड़। रोपड़ नहीं है, पंजाब में है। पाइप देखो, कुछ याद आ रहा है? गुजरात के याद में। गुजरात में। गुजरात में। रोजड़ी। हाँ। रंगपुर। और धोलावीरा। ये गुजरात के हैं। शाबाश, चलो आ जाओ रूडी फटाफट से। हाँ मैं रूडी कहाँ से पूछूं? कल वाले से पूछ लूं? चलो, सिंधु घाटी सभ्यता की पांच राजधानियां हैं बताओ। हड़प्पा। हड़प्पा। क्रम से बताओ। क्रम से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, कालीबंगा, चौदड़ो, चौदड़ो, कोट दीजी, कोट दीजी। अब बता तो दिए, गड़बड़ होगी। नाम सही बताएं, क्रम जब तक नहीं बताओगे तब तक मतलब नहीं है। मोहनजोदड़ो एक नंबर, हड़प्पा दो नंबर, चौदड़ो तीन नंबर, कोट दीजी चार नंबर, कालीबंगा पांच नंबर। दशरथ शर्मा क्या कहते हैं इसके लिए? इनकी पांचवीं राज। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, चौदड़ो है ना। हाँ तीसरी थी, अभी पांचवी। हाँ, कालीबंगा जो है वो पांचवी राजधानी रहा है बोलकर इसको तीसरी बताया है। मेन तो मुद्दे की बात यही है। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था मिलती है इनकी, वर्ण व्यवस्था मिलती है। वर्ण व्यवस्था में चार सोसाइटी बताई गई है, कौन सी सोसाइटी है चार? वर्ण कौन से मिले हैं? जैसे आज मिली है, दिमाग लगाओ और बताओ फटाफट से।